समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा रद्द कर दी है। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। हालांकि सबसे पहले अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही चुनौती दी थी, लेकिन तब हाईकोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अफजाल अंसारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए उनकी संसद सदस्यता तो बहाल कर ही दी, साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए और फैसला लिया जाए, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला 4 जुलाई को ही अदालत की ओर से ले लिया गया था, जो फैसला आज अदालत ने सुना दिया। उस फैसले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की जो सजा अफजाल अंसारी को मिली थी, उस सजा को ही रद्द कर दिया गया है। अब आज अदालत में हुआ क्या, आपको बताएं, आज तो सजा सुना दी गई, आज फैसला सुना दिया गया, लेकिन इससे पहले जब सुनवाई चल रही थी तो अफजाल अंसारी की ओर से वकील जो मौजूद थे उन्होंने दलील दी कि जिस केस में गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सजा अफजाल को हुई है, दरअसल उस मूल केस में ही उन्हें राहत मिल गई है और ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली सजा भी रद्द हो जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार की ओर से, साथ ही बीजेपी के विधायक जिनकी हत्या हुई थी कृष्णानंद राय, उनके भतीजे की ओर से एक अपील दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत जो 4 साल की सज़ा मिली है उसकी अवधि बहुत कम है, ये सज़ा और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अफजाल अंसारी की उम्र, ज़्यादा उम्र जो कि 70 साल है, उसे देखते हुए, साथ ही उनके राजनीतिक करियर को देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सज़ा में बहुत ही नरमी दिखाई गई थी और ऐसे में उनकी सज़ा की बढ़ा दे दी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो फैसला लिया वो ये है कि एक तरफ 4 साल की सजा जो उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से मिली थी उसे रद्द कर दिया गया, साथ ही उस अपील को भी खारिज कर दिया गया जो कि कृष्णानंद राय के भतीजे और यूपी सरकार की ओर से दाखिल किया गया था, जिसमें उनकी सजा की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। फिलहाल जो फैसला आया है वो फैसला अफजाल अंसारी के साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत की तरह है।